इस लेक्चर में हम पोंगडेंग लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क हैं इम्पोर्टेंट उसके सारे के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम पोंगडेंग लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि 2020-21 से लेके हिमाचल प्रदेश में जो विंटर सीज़न था 2020 से 21 के बीच में, यानी कि दिसंबर से लेके जनवरी का जो विंटर सेशन था, उसमें कम से कम 100,000 माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे आए थे, वाटर बर्ड, इस लेक के अराउंड, पोंगडेंग लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड। मतलब माइग्रेटरी बर्ड का मतलब है जी जो एक प्लेस से लेके दूसरे सेकंड प्लेस पे क्या है, फ्लाई करके उड़ के जो पक्षी आ जाते हैं, प्लान कर जाते हैं, माइग्रेटरी बर्ड ऐसे होते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है पोंगडेंग लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये जी अपना इंडिया हिंदुस्तान प्यारा, और ये जी हमारा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का ये मैप है जी, और ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये जो पोंगडेंग हम पढ़ रहे हैं। इसे 1975 में यहाँ पे एक पोंगडेंग बनाया गया जो ब्यास रिवर पे था। ब्यास रिवर आपने सबने इसके बारे में पढ़ा होगा, ब्यास रिवर पे पोंग डैम, जिसे पोंग रिजर्वेयर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सेकंड नाम भी है महाराणा प्रताप सागर डैम। महाराणा प्रताप सागर डैम ये याद रखना आपको, पोंग डैम का ही नाम है। तो इस डैम को 1983 में, इस रिजर्वेयर को, ये डैम था जो रिजर्वेयर था, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, ये याद रखना आपको। ये जो इसके अराउंड लेक के अराउंड क्या है, जो भी डैम के अराउंड और यहाँ लेक थी, जो इसके अराउंड जो फॉरेस्ट एरिया था, उस सबको मिला के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। और 1994 में इसे नेशनल इंपोर्टेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपोर्टेंट डिक्लेयर कर दिया। वेटलैंड का मतलब है जी आर्द्र भूमि, इसे वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया, आर्द्र भूमि मतलब जिन पे पानी भरा रहता है ना, ऐसी भूमि जिन पे पानी भरा रहता है, थोड़ा सेचुरेटेड रहता है परमानेंटली या सीजनली, मतलब कुछ समय के लिए सालों साल, उसे वेटलैंड डिक्लेयर कर देते हैं। तो वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया 1994 में, और पोंगडेंग लेक को रामसार साइट डिक्लेयर कर दिया गया नवंबर 2002 में। ये रामसार साइट क्या है जी, रामसार साइट एक रामसार कन्वेंशन हुई थी जी, कब हुई थी, 1971 में कन्वेंशन हुई थी। रामसार नाम इसलिए क्योंकि ईरान एक कंट्री है, वहाँ पे रामसार एक जगह का नाम है, वहाँ पे हुई थी ये कन्वेंशन, मीटिंग हुई थी, मतलब किस लिए, ताकि वेटलैंड है उनको बचाया जा सके, जो आर्द्र भूमि है इनको बचाया जा सके। ये बहुत ही ज़्यादा इनको थ्रेट था, डेंजर था, घट रही थी बहुत ही ज़्यादा, इसलिए। हमारे इंडिया में ऐसी 42 साइट हैं जी, अभी लेटेस्ट साइज है जी, जो लेटेस्ट साइट है, साइट का मतलब है जी कोई स्थल या जगह, वो है जी सोमुरुरी। ये सोमुरुरी कहाँ पे है, ये लद्दाख में है जी, लद्दाख में अभी लेटेस्ट 42nd रामसार साइट है हमारी कंट्री की, इससे पहले 41 थी, 42nd हो गई है। ये सोमुरुरी लेक है जी, उसके अराउंड जो भी कॉम्प्लेक्स मतलब एरिया है, उसको रामसार साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। और सेकंड एक मोंट्रस रिकॉर्ड होता है जी, इसके अंदर एक रजिस्टर होता है दूसरा, उसमें उन कैटेगरी को डाला जाता है, उन लेक को, झील को, या उस वेटलैंड को डाला जाता है जो बहुत ही ज़्यादा थ्रेट होता है, जिनको बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है, लुप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगर उन पर ध्यान नहीं दिया कंजर्वेशन पे, संरक्षण पे। यानी कि हमारे इंडिया में सिर्फ दो ही ऐसी साइट हैं जो मोंट्रक्स रिकॉर्ड में लोकेटेड है रामसार के, वो कौन कौन सी हैं, एक केवला देव लेक है जी ये राजस्थान में, एक लोकतक लेक है जी, लोकतक लेक इसके बारे में पढ़ा होगा, पहले चिल्का लेक भी थी जी जो उड़ीसा में, ये भी थी लेकिन इसको अब खतरा नहीं है, डेंजर इससे बाहर आ गई, इसलिए ये निकाल दी गई ये लिस्ट से, अब तो अब दो ही हैं। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में, पोंगडेंग के बारे में। इसमें देखो जी, ये जी ब्यास रिवर, ब्यास रिवर पे यहां जी ये डैम बना हुआ है, ये डैम ऐसा होता है जी, देख सकते हो पोंगडेंग नाम से, और यहीं पे ब्यास रिवर पे क्या जी एक पंडो नाम से डैम भी बना हुआ है, एक यहाँ पे सतलुज रिवर है जी यहाँ पे बना हुआ है, ये भाखड़ा डैम, ये आपने पढ़ा होगा, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे बना हुआ है। तो ये हमने डैम भी देख लिया। अब यहाँ पे जो बर्ड आते हैं, लगभग 220 स्पीसीज ऑफ बर्ड होते हैं जी, जो 54 फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो हिंदू कुश माउंटेन है आपने यहाँ पे देखा होगा, जो ऊपर ये क्या है कश्मीर है, यहाँ पे पाकिस्तान में और कश्मीर के पार्ट में हिंदू कुश माउंटेन है जी, हिमालय का ही पार्ट है वहाँ से, और साइबेरिया ये रसिया में जगह है जी, यहाँ से पक्षी क्या है माइग्रेट करके आते हैं, उड़ के आते हैं माइग्रेटरी बर्ड। यहाँ पे ब्यास रिवर क्या है, जो लेक है, इस लेक में ब्यास रिवर का पानी आता है और भी सारी रिवर का आता है, जैसे गज हो गई, न्योगल हो गई, बिनवा हो गई, ऊहल, ये बांगना, बनेर, ये सारी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्यास रिवर का पानी इस पोंगडेंग लेक में आता है, ये याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे 22 स्पीसीज मिलती हैं फिश की, मतलब फिश की 22 कैटेगरी की फिश मिलती हैं जी, जिसमें साल गेड नाम की फिश हैं। और वेजिटेशन कैसा है जी यहाँ पे, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है जी, यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं जी, ये याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स मिलते हैं जी, और फ्लोरा मिलता है जी, मतलब प्लांट एंड ट्रीज कौन कौन से मिलते हैं, यूकलिप्टस हो गए, अकेसिया, जामुन, सीसम, मैंगो, मलबरी, फिकस, कचनार, आंवला, प्रूनस, ये देख सकते हो जी आप, ये यूकलिप्टस का पेड़ है जी, यूकलिप्टस, ये यूकलिप्टस को सफ़ेदा बोलते हैं, सफ़ेदा भी होता है हिंदी में, सफ़ेदा वही है जी, आपने रोड के किनारे देखे होंगे ना ऐसे पेड़ लगे रहते हैं, ये यूकलिप्टस के पेड़ हैं, ये पानी ज़्यादा डिमांड करते हैं। और ये जी अकेसिया ट्री, अकेसिया, ये
अकेशिया नज़दीक से देखेंगे तो ऐसे इसमें फ्लावर आते हैं जी, फूल आते हैं। और ये जी जामुन का, ये जामुन का पेड़ है और आपने जामुन खाए होंगे, ऐसे होते हैं देखे होंगे, ये जामुन का ट्री है। और ये जी मैंगो ट्री, शीशम का, ये मैंगो ट्री है और ये है शीशम का ट्री। शीशम को नज़दीक से देखेंगे तो ये आपने देखा होगा, ये मैंगो ट्री है जी। और ये जी मलबेरी, कट्ठा बोलते हैं जी कट्ठा हरियाणा में, ये मलबेरी। और ये क्या है, सहतूत, सहतूत का पेड़ भी बोलते हैं जी हिंदी में, सहतूत। तो सहतूत ऐसे होते हैं जी, मलबेरी ऐसे लगते हैं, ये रेड और ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। और ये जी आपका यहाँ पे ये फिकस कचनार और आमला प्रोनस, ये जी फिकस, फिकस का, और ये जी ये कचनार, और ये जी प्रूनस, और ये जी आंवला का पेड़, ये आंवले लगे हैं छोटे छोटे, आपने खाए होंगे। तो और फौना कौन कौन से मिलते हैं जी यहाँ पे, ये बार्किंग डियर मिलता है जी, सांबर मिलता है, वाइल्ड बोर्स जंगली सुअर, नील गाय, लियोपर्ड या ओरिएंटल स्मॉल क्लोड ऑटर्स। ये देखो जी, ये बार्किंग डियर है जी, बार्किंग डियर मिलता है, ये जी आपका सांबर, और ये जी आपका वाइल्ड बोर जंगली सुअर, और ये है आपका नील गाय, ये लियोपर्ड, और ये जी स्मॉल क्लोड ऑटर, ऑटर नाम है जी इसका, ये ऑटर जी प्यारा से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एवियन फौना भी मिलते हैं, मतलब उड़ने वाली पक्षी कौन कौन से मिलते हैं जी यहाँ पे, ये जी ब्लैक हेडेड गल्स मिलती है, ये ब्लैक हेडेड गल्स है जी। और ये रेड नेक्ड ग्रेबेज, ये नेक्ड, इसकी नेक है जो गर्दन है रेड है, इसलिए इसका नाम है रेड नेक्ड ग्रेबे। और प्लोवर टर्न भी मिलते हैं जी, डक्स मिलती हैं, ये जी प्लोवर नाम है जी इसका, ये प्लोवर यहाँ पे लिखा हुआ है जी, देखो ये प्लोवर, ये टर्न, डक्स, वाटरफॉल, एग्रेट। ये प्लोवर देख लिया जी हमने, ये टर्न है जी, इसका नाम TERN, टर्न। और ये डक है जी, डक। और ये जी आपका लास्ट में जो लिखा हुआ था, एग्रेट, वाटरफॉल एग्रेट, ये एग्रेट है जी, इसका नाम एग्रेट है। तो ये हमारा पोंग डैम लेक पूरा हो गया जी। अब जो हिमाचल प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो देख लेते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है जी, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है जी। इसकी एक सब डिवीज़न है बंजार, एक रीजन है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये 1999 में नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था गवर्नमेंट ने, और 2014 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। यूनेस्को जो भी मानो नेचुरल जो कोई साइट है कोई भी, उसे नेचुरल है या मोनूमेंट से कोई बिल्डिंग है जी, उनको क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में डाल देती है, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व किया जा सके, संरक्षण किया जा सके, उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। यूनेस्को के बारे में आप जानते होंगे, यूएन की एक एजेंसी है, स्पेशल एजेंसी यूनाइटेड नेशन की। इसमें स्पीचीज़ कौन कौन से पाए जाते हैं इस ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में, इसमें ग्रेटर ब्लू शिप पाया जाता है जी, इंडियन पीका, रेसस मंकी, हिमालयन ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, रेड फॉक्स, मंगूज। ये देखो जी, ये हैं, ये आपका ग्रेटर ब्लू शिप, ये नीला भेड़ है जी, भेड़। और ये जी आपका इंडियन पीका, ये चूहे की तरह दिखाई देना, माउस की तरह, इंडियन पीका है ये। रेसस मंकी बंदर तो आपने देख ही रखा होगा, ये ब्लैक बियर है जी, काला भालू, ये ब्राउन बियर है जी, ब्राउन बियर, ये जी रेड फॉक्स, लाल लोमड़ी, ये जी मंगूज, मंगूज है जी ये सांप की और इसकी लड़ाई होती है ना स्नेक की, तो ये जीतता है, सांप को मार देता है, इतना खतरनाक होता है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है जी पिन वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है जी, हिमाचल प्रदेश की दो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पिन वैली नेशनल पार्क। इसे 1987 में बनाया गया था। इसमें कौन कौन से स्नो लियोपर्ड और साइबेरियन आइबेक्स इसमें मिलते हैं एनिमल्स, ये जी स्नो लियोपर्ड और साइबेरियन आइबेक्स, ये प्राणी मिलते हैं इसमें। नेक्स्ट है जी इंदर किला नेशनल पार्क, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जी, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी, हिमाचल प्रदेश की में। ये 2010 में डिक्लेयर कर दिया था जी इंदर किला नेशनल पार्क। इसमें कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं जी, इसमें लियोपर्ड मिलता है जी, जो हम देख चुके हैं, डियर्स, बर्ड, और भी इंपॉर्टेंट बर्ड मिलते हैं जी इसमें। और नेक्स्ट है जी हमारा खिरगंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है जी, ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी खिरगंगा, ये भी याद रखना आपको, ये भी 2010 में डिक्लेयर कर दिया था नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क कम से कम 5500 मीटर हाइट पे है जी, सर सी सरफेस से देखेंगे तो, और 710 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे जो एनिमल्स मिलते हैं, जो हमने ऊपर पढ़े, यहाँ पे भी मिलते हैं सारे ही सेम। एक है जी सिम्बाला, सिम्बलबारा नेशनल पार्क, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है जी, ये भी हिमाचल प्रदेश की सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है जी, यहाँ पे पोंटा वैली है, ये पोंटा वैली भी आपको याद रखना कहाँ पे है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में। वैली क्या होती है ये तो पता ना जी आपको, जैसे ये दो क्या है माउंटेन है, इसके बीच में क्या है जो प्लेस होता है, ये घाटी बोलते हैं, घाटी या वैली, हिंदी में घाटी बोलते हैं। इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था
लेकिन इससे पहले 1958 में इसे सामल बारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी साइल, इसे यहाँ पे फॉरेस्ट था और उस जंगल को 1958 में इस सिंबल बारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन 2010 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया था, सिंबल बारा नेशनल पार्क। तो ये सारे हमारे हिमाचल प्रदेश के जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे हमने पढ़ लिए, और पोंग डैम नेशनल, जो पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसको भी कंप्लीट किया इस लेक्चर में। अब किसी और लेक्चर में मिलेंगे जी हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।